नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरू होने वाली है गर्मी, बना ले डाइट चार्ट। दोस्तों, बढ़ती गर्मी का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जो हर साल गर्मियों में तापमान बढ़ा रहा है। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुकी है, ऐसे में आपको पहले से ही सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप गर्मी के दिनों में लापरवाही करेंगे तो इसका प्रभाव काफी बुरा हो सकता है। गर्मियों में वातावरण में उष्णता बढ़ जाती है, ऐसे में तापमान इतना ज्यादा होता है कि हमारे शरीर का भी तापमान बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ने से शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है, इसलिए आपको ऐसे समय में अपने सेहत का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। सेहत का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने खाने का ध्यान रखना जरूरी है। गर्मी में आपका डाइट चार्ट सही हो तो आप गर्मी के प्रभाव से बच सकते हैं। गर्मियों में रखें अपने डाइट का ख्याल। गर्मी के मौसम में आपको अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में मसालेदार और तले हुए खाने से हमेशा बचें, क्योंकि यह आपके शरीर में आलस्य को बढ़ाता है और इस तरह का खाना आसानी से नहीं पचता है। अपने खाने में सलाद और हरी सब्जियों को शामिल करें, साथ ही तरल खाद्य को अधिक शामिल करें। गर्मी के दिनों में पुदीना, छाछ और प्याज खाएं। मौसमी फलों को डाइट चार्ट में करें शामिल। गर्मियों में रसदार फल का सेवन करना काफी लाभदायक होता है, यह आपके शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। गर्मियों में मौसमी फल जैसे तरबूज, लीची, खरबूजा, संतरा, अंगूर, खीरा मिलते हैं। ऐसे फलों का सेवन शरीर के लिए काफी लाभदायक है। गर्मी के मौसम में आम काफी फायदेमंद है, यह गर्मी के मौसम में ही अधिक मिलते हैं। इन मौसमी फलों को अपने डाइट चार्ट में शामिल कर सकते हैं। तरल पदार्थ का करें सेवन। गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए नारियल पानी काफी फायदेमंद है, साथ ही शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए नींबू पानी, गन्ने का जूस का सेवन कर सकते हैं। शरीर में पानी की सही मात्रा बने रहने से पर्याप्त मिनरल्स और विटामिन मिलती है। गर्मियों में चाय और कॉफी का सेवन नहीं करें, इससे डिहाइड्रेशन होता है। दोस्तों, ये थे गर्मियों के लिए डाइट चार। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट व लाइक करें, और हम आप तक नई नई जानकारी पहुंचाते रहे इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।